वाटर की गलती है, मशीन जाते वाटर की गलती होती है, वो नहीं आते हैं, वो कोई मरीजों को लेके जाते हैं, लड़कियों को लेके जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 31,500 के करीब ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, और शहर में जिन ई रिक्शाओं पर जो अवैध तरीके संचालित हैं या जिसे परमिट, फिटनेस, टैक्स या लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ़ कल हम लोगों ने अभियान चलाया था, जिसमें करीब 100 ई रिक्शा बंद हुए थे, 50 ऑटो बंद हुए थे। ये अभियान चूँकि वित्तीय वर्ष का अंतिम समय चल रहा है, फरवरी समाप्त होने वाली है और मार्च भी करीब है, तो ये रेवेन्यू की दृष्टि से भी हम लोग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कई ई रिक्शा जिन पर टैक्स बकाया है, कुछ ऐसे रिक्शा चालक हैं जिन पर लाइसेंस नहीं है या फिटनेस नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और हम सभी से अपील करेंगे कि चूंकि शहर आपका है और आपको जाम से निजात दिलाना है और सुव्यवस्थित तरीके से चलें, बिना लाइसेंस के न चलें, और अपने प्रपत्र को पूर्ण रखें। अगर ये आप प्रपत्र पूर्ण नहीं रखेंगे तो ये चूँकि अभियान लास्ट मंथ है और विभाग को राजस्व भी चाहिए, तो ये कार्रवाई जरूरी है और हम लोग करेंगे। लगभग सर कितना लक्ष्य रखा है आप लोगों ने रिक्शा पकड़ने, ई रिक्शा पकड़ने का, और कितने अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं शहर में? अब अवैध रूप से एक संख्या तो नहीं बता पाएंगे कितने चल रहे हैं, लेकिन जो भी अवैध रूप से मिलते हैं मैं उनसे कार्रवाई कर रहा हूँ और उनको सीज कर रहा हूँ और वो छोड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। बल्कि जो है मेरा दोनों उद्देश्य है, एक तो शहर को जाम से निजात दिलाई जाए और दूसरे जो है पेपर पूर्ण हों, और जो कुछ नए लड़के हैं जिन पे लाइसेंस नहीं है और छोटे अवध बालक हैं, वो भी रिक्शा को संचालित ना करें।